गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबा गिरी में वेरी गुड फ्रेंड्स, दिस इज ऋषिक एंड वेलकम बैक टू माय पैशन वर्ल्ड। कैसे आप सब? आई एम श्योर आप सब अच्छे होंगे, लाइफ में अच्छे से जी रहे होंगे। सो आज अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं है, ये अभी आफ्टरनून है और आज सैटरडे आफ्टरनून है। और मंगाए थे भी आज आँख चेक कराना था डॉक्टर के यहाँ, वो गई आँख चेक कराने। और देखो मैं कितना मस्त मौसम बैठा हुआ, दिखाता हूँ आपको। ये देखो बैंगलोर का मौसम, बारिश हो रही है हल्की हल्की बूंदाबांदी। मैं पार्किंग में बैठा हूँ फिलहाल, तो क्या मस्त बारिश की बूंद आ रही है। मैं सनरूफ खोल के मजा ले रहा हूँ। सनरूफ का ना मजा ऐसे ही समय पर आता है। ये देखो बूंद, बारिश की बूंद। गुड मॉर्निंग पीपल, आज ना बहुत ही गंदा हुआ। आज सुबह उठा, मैं उठ के सब कुछ चाय पानी लिया, एक्सरसाइज किया, सब कुछ किया, उसके बाद जाके फिर से सो गया, दोबारा ही सो गया। अभी थोड़ा पहले उठा हूँ वापस से, इस समय बज रहे 11, अब 10 बजे सो गया था मैं करीब। सर 10 बजे भी नहीं, 9:30 बजे सो गया था। 9:30 से 11 तक सोते रहा, डेढ़ घंटा। और बहुत ज़्यादा नींद आई थी और बॉडी बिल्कुल लग रहा था कि अभी चल नहीं रहा है, सो ही गया। अभी उठा हूँ, जाके कुछ काम करूँगा, बैठूँगा ऑफिस से, काम करूँगा, नहाऊँगा। देखो नहाए भी नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ। कभी कभी ना ऐसा होता है, ऐसे नींद आती है ना, बॉडी आपके लगता है कि मतलब जवाब दे रही है, उसके बाद नींद आने लगती है। नींद आती है तो फिर यही हालत होता है। मतलब लगे अच्छा है, मतलब नींद आ रही है, जब उसी काम करने से अच्छा है थोड़ा सो ही लेता हूँ, तो इसलिए सो गया। अब उठा, चलो लगते हैं वापस काम पर। मौसम वैसे भी आपको दिख रहा है बैंगलोर का एकदम सोने वाला हो रखा है, देख लो मौसम वैसे ही सोने वाला मौसम है पूरा, तो चादर पहन के सो जाओ सब, ये ऐसा लगता है, इसलिए भी और नींद आ रही है। चलो एनी वेज चलते हैं काम पे लगते हैं। आज क्या है ना, हम लोग को कोर्ट मिला नहीं आज, जहाँ पर यूजली खेलते हैं वाइट बॉडी, यहाँ पर वहाँ कोर्ट मिला नहीं हम लोग को। सो हमने डिसाइड किया कि यार 9 लोग आते तो 10 लोग थे, 2 लोग फिर हटे और एक आदमी और जुड़ा, तो 9 लोग हो गए। तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, दूसरे जगह चलते हैं। और यहाँ हमारे हैं लक्ष्य अकेडमी। अच्छा ये सबसे अच्छा एसी है, तो गर्मी उतनी नहीं लग रही, सब वोकेशन नहीं हो रहा, तो हम लोग लगातार मैच खेल पा रहे हैं। अभी 8 मैच के बाद में बैठ रहा हूँ, कंटिन्यूस मैचेस, हाँ 8 कंटिन्यूस मैचेस के बाद में बैठने का मौका मिला, तो थकावट बिल्कुल नहीं लग रही क्योंकि एसी चल रहा है, मतलब गला सूख रहा है, पसीना भी कम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बट इसी के ज़्यादा आदत नहीं डालना है, नहीं मिला गई तो यहाँ आएंगे बस, तो अपना वाइट बॉडी चाहिए। दिस इज गुड एक्चुअली। ओनली प्रॉब्लम डेट इस ही है ना कि अगर आप यहाँ खेलते हो ना और अगर शटर ऊपर जाता है तो देखो लाइट्स, देख रहे हो लाइट्स, लाइट्स प्रॉब्लम करता है। शटर ऊपर जाता है बिल्कुल आँख पर आता है, वो उनको कवर कर देना चाहिए, देखो बिल्कुल शाइन कर रहा है। अगर इनको कवर कर दो ना तो ठीक है, वहाँ तो बिल्कुल आँख पर आता है। प्लान है पितृपक्ष चल रहा है ना, तो दादाजी का उसका दान करना है, दादा दादी के लिए स्वागत जा रहे हैं मंदिर, उसके लिए सब कोई चल रहा है। प्लान ये है कि किसी मंदिर में जाके ना वहाँ पर जो नीडी लोग होते हैं उनको दान कर देंगे कुछ, कि पंडित वगैरह को देने से अच्छा है जो नीडी पीपल होते हैं उनको देना ज़्यादा सही होता है।
सो अभी जाएंगे और वहाँ पर दान पुण्य का काम कर लेंगे। दादा जी का वो है ना पितृपक्ष चला, दादा दादी के लिए हमने बहुत पहले भी प्लान किया था कि करेंगे तो दान वगैरह। आज मूड सबका बना गया, चलो आज चलते हैं। पक्ष चल रहा है माँ बाबू जी के आशीर्वाद के लिए, हम सब मंदिर आए हैं ताकि दान पुण्य करके इनको इनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना कर सके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब अच्छे से हो गया है, दान भी दे दिए गए मंदिर में, हम लोग भगवान जी का स्मरण भी किए, बहुत अच्छा। और बाबू जी का आशीर्वाद, भैया लोग का आशीर्वाद, भाभी का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, सबका मिला, प्रणाम सब। इसी प्रार्थना के आशीर्वाद वैसे तो हमेशा मेरे साथ है, लेकिन इन दिनों कहते हैं कि वो नीचे रहते हैं, आशीर्वाद जरूर मिला होगा हमें, जो जितनी सुविधा थी उतना ही हम दे पाए। The next morning. Hey, good morning people. आज संडे है, सो आज प्लान है हमारा, आप गुड मॉर्निंग बोलो या जेमिनाई खुल गया, गूगल फोन होने से ही फायदा होता है, जैसे आप गुड मॉर्निंग बोलो ना जेमिनाई विल गेट एक्टिव। सर भी आज संडे है और आज हमारा प्लान कुछ ज़्यादा है नहीं, सफाई वफाई करना है और ऑफिस का भी काम है और नवरात्र से पहले दो गाने रिलीज करने हैं, उस पर काम करना है, सो बिजी रहूँगा। बताइए इतने दिन से जो परेशान हो रहा था टायर में, हवा कम हो रहा है, निकल जा रहा है, ये देखो पंक्चर है, वही कह रहा था ना इसमें हवा बहुत जल्दी निकल जा रहा है, भैया बना देंगे इसको, बाई चांस आप चेक करवा दिया। एक और मिल गया तो यहाँ पर परिकर ने रिपेयर कर दिया, इतना एक और है। अभी क्या है ना, गाड़ी मेरा बार बार लो DF वो दिखा रहा है, इसकी सर्विसिंग ड्यू है और बहुत दिन से मैं टाल रहा हूँ, मतलब करवा दो सर्विसिंग, मुझे लगता है अगस्त में ही सितंबर ख़त्म होने को आया और मैं टाल ही रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड शायद जाके करवा लूँ, नहीं तो देखता हूँ जल्दी करवाना पड़ेगा इसको। क्या है ना, अगर गाड़ी की सर्विसिंग आप टाइम पर नहीं करवाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ लंबे ट्रिप्स करने का प्लान है मेरा, तो गाड़ी की सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा क्लीनिंग कराना आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा पता नहीं कितना कैंप है बना चला, लेकिन थोड़ा गंदा हो गया है गाड़ी, काफ़ी दिन से क्लीनिंग भी नहीं कराई है, इधर ना इस गाड़ी पर ध्यान कम दिया, गलती मेरी है, आई एक्सेप्ट, सो कराना पड़ेगा इस चीज़ को भी, सब साइड से ही कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर गाड़ी भी आपका ध्यान देना बंद कर देगी। कल रात को सोया ना, तकिया का पोजीशन कुछ गलत हो गया, एक्चुअली मेरी गंदी आदत क्या है, मैं न्यूज़ देख के सोता हूँ, न्यूज़ हटा दिया कुछ भी और तो देखते तो सो जाता हूँ,
सो नॉर्मली डिस्कशन में सुनता रहता हूँ, तो कल ऐसा किया और अभी कल मैंने हो गया, लचक आ गई है, तो यहाँ पूरा पेन हो रहा पीछे से, और मुझे कल बैडमिंटन भी खेले जाना, मैं मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसको पूरा तरीके ला के रखा है ताकि ज़्यादा हिलाओ नहीं, ठीक हो जाएगा, और साथ में कुछ और भी कर रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। देखो जूसी चिकन, सो मूड हुआ कि चलो नवरात्रि से पहले आखिरी बार चिकन खा लिया जाए, क्योंकि उसके बाद तो माँ की सेवा में लग जाएंगे और फिर चिकन वगैरह तो कुछ बनेंगे, नॉनवेज तो बिल्कुल बंद और साथ में भोजन होते रहेगा पूरे टाइम। सो एनी वेज देखो हमारे क्या होता है ना कि जैसे मैं तो व्रत पर रहता हूँ लेकिन बाकी लोग भी साथ में भोजन ही करते हैं उस नौरिन, हमारा नमक भी वो सेंधा नमक भी खाना बनता है पूरे टाइम और प्याज लहसुन बनता नहीं उस समय, सो इसलिए वो उस टाइम पूरा सब सात्विक भोजन का सेशन चलता रहता है। मैंने सोचा कि चलो आखिरी बार कम से कम नॉनवेज तो इन्जॉय कर लेते हैं आज, उसके बाद से तो शुरू हो जाएगा अपना माँ का सेवा और नवरात्रि का व्रत। तो आज मौका मिला, मैंने बोला आज प्रपोज किया कि चलो मैं ही बनाऊँगा आज, तो आज मुझे मौका दे दिया गया, तो चलो बना लेते हैं। अच्छा क्या है, इनको अच्छे से फ्राई कर रहा हूँ ताकि बढ़िया से घुल जाए मसाला इसमें और करी लगा पाऊँ, ऑलमोस्ट बन ही चुका है। शाबाश।